हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। सब अपने अपने घर में सेफ होंगे और बाहर जाते टाइम मास्क जरूर लगा के जा रहे होंगे, सैनिटाइजर कैरी कर रहे होंगे। तो आज हमारे पीछे खड़ी है द ऑल न्यू BS6 होंडा की एक्स ब्लेड 160। आज हम इसका कोई रिव्यू नहीं करने वाले, मैं आपको कोई स्पेसिफिकेशंस के बारे में नहीं बताने वाला हूं। आज मैं आपको इसका ओनरशिप रिव्यू दूंगा। आज इस बाइक के ओनर हमारे साथ खड़े हैं जो कि हैं मुकुल जी। मुकुल भाई खड़े हैं, अपन इन्हीं के साथ मिलके इस बाइक का वीडियो बनाने वाले हैं। बताऊंगा आपको इसकी स्पेसिफिकेशन यानी अच्छी बातें बुरी बातें, इनको चलाने के बाद कैसा लगा बाइक को, रिफाइनमेंट लेवल कैसा है, सब कुछ के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना है, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर अभी तक नहीं दबाया तो उस पर घूसा मारो, मुक्का मारो, बस वो दब जाना चाहिए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते रहिए आर्य ब्लॉग। तो हमारे साथ हमारे बाइक के ओनर आ चुके हैं, मुकुल भाई आ चुके हैं। आज इसी के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने पर्टिकुलर यही बाइक क्यों खरीदी। सेगमेंट में और भी बहुत सारी बाइक्स आती हैं जो कि मिल जाती है सेम प्राइस में, ऊपर नहीं थोड़ा बहुत मिलता है। तो मुकुल भाई सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं सेम कैटेगरी में, 160cc में हीरो की भी आती है, जो एक्सट्रीम 160 आती है, आपको NS 160 देखने को मिल जाती है, और आपके पास 160cc में RTR भी आती है। तो आपने पर्टिकुलर इसी बाइक पे आप क्यों गए, आपको इसमें ऐसा क्या अच्छा लगा या आपको ऐसा क्या पसंद था होंडा की बाइक्स में जो आप होंडा एक्सप्लेट पे गए? भैया मेन जो इसकी लुक्स है, जैसे जैसे अभी मतलब जो लुक दिया है मेन फ्रंट आयरन मास जैसा जो उसको दिया है उसके हिसाब से, और मेन गाड़ी की पावर है, और मतलब मेरे को मतलब मेरी फर्स्ट स्पोर्ट्स बाइक है तो मेरे को थोड़ी सिंपल पावर के हिसाब से चाहिए थी। मतलब आपको लीनियर पावर डिलीवरी चाहिए थी, आपको एकदम से पिकअप पकड़े। होंडा में आपने सुना होगा होंडा इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी आती है, आप चलाओगे तो इकोनॉमिक अपने हिसाब से माइलेज भी मेंटेन करेगी बाइक अपने हिसाब से, वो जैसे भी आप रेस करोगे तो ऑटोमेटिक वो कम कर देगा। तो जैसा कि ये इनका मेन मोटिव ये था इस बाइक को खरीदने का कि इनको माइलेज भी चाहिए था, अगर आप एकदम से आप इसको थ्रॉटल दोगे तो इसमें ESP टेक्नोलॉजी आती है, उसकी वजह से आपको इसमें माइलेज भी ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आप थ्रॉटल रिस्पांस करोगे और थ्रॉटल दोगे तो आपको माइलेज भी अच्छा मिलेगा। तो फर्स्ट तो ये इनका हो गया। सेकेंड इन्होंने बोला कि इनको लुक्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है बाइक के, जो आई का फेस है फुली LED आपको देखने को मिलता है, जो कि इस सेगमेंट की आपको एक्सट्रीम में देखने को मिलता है, बट जो लुक्स निकल के आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे निकल के आ रहे हैं पर्टिकुलर बाइक की बात मैं खुद भी बोलूँगा। तो नेक्स्ट आप मुझे इसके बारे में बताओ, जैसे आपने इसको काफ़ी अच्छी तरीके से ड्राइव किया, आप इतने टाइम से इसको चला रहे हो, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको प्रॉब्लम्स या फिर कोई गुड पॉइंट्स या प्रॉब्लम आपको क्या क्या फेस हुई, पहले आप गुड पॉइंट्स के बारे में बताओ कि आपको बाइक में ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी जो आपने प्रीवियस अपनी बाइक्स राइड करी हैं, बाइक जो भी आपने राइड करी है वो जो चलाई है बाइक, उनसे आपको इसमें क्या अलग लगा और क्या ज़्यादा अच्छा लगा आपको इसमें देखने को? बेसिक गुड पॉइंट्स तो ये है कि फर्स्ट जो इसका मतलब चलने में है ना पावर तो बहुत अच्छी है, लेकिन मेन जैसे जो आपने बोला कि बैड भी बताने से मेन तो थोड़ा जो शॉकर है पीछे का शॉकर, और बाकी जो जिस हिसाब से पीछे का ब्रेक दिया है ब्रेकिंग इतनी अच्छी नहीं थी फ्रंट की, ब्रेकिंग आपको थोड़ी अच्छी नहीं देखने को मिल रही है। तो मतलब जैसे कि आपने सुना कि फ्रंट की ब्रेकिंग तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, पर जैसे कि मैं अपने रिव्यूज़ में बताता हूँ कि आपको ब्रेक्स तो अच्छे देखने को मिल जाते हैं, बट मैं बाइक को राइड नहीं करता हूँ, जो मेन ओनर्स होते हैं वो बाइक को राइड करते हैं वही बता सकते हैं कि बाइक की परफॉर्मेंस सिटी में या रियल लाइफ कंडीशंस में कैसी आ रही है बाइक की परफॉर्मेंस, और जो बाकी लोग राइड रिव्यू करते हैं वो लोग सिर्फ पर्टिकुलर एक बार बाइक को राइड करते हैं, जो इंसान रोज बाइक को राइड कर रहा है वो ज़्यादा अच्छे से बता सकता है एक बार राइड करने वाले से। जैसे कि इन्होंने बताया कि जो आपको रियर के ब्रेक्स हैं वो थोड़े कम देखने को मिलते हैं, यानी कि उनकी पावर है जो स्टॉपिंग पावर आपको कम देखने को मिलती है फ्रंट के हिसाब से। जैसे कि मैंने आपको पता ही कि बाइक के अंदर सिंगल चैनल ABS आता है, तो फ्रंट ब्रेक्स तो आपके अच्छे वर्क करनी है, तो आपको क्या ऐसा नीड लगती है कि इस बाइक में डुअल चैनल ABS होना चाहिए था, या फिर अगर जो आपका ब्रेक है रेयर वाला उसकी पावर ज़्यादा अच्छी करनी चाहिए थी आपको डुअल चैनल ABS मिलना चाहिए था? भैया जिस हिसाब से इस गाड़ी की पावर है, पावर नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन जो ब्रेकिंग है ना मतलब कहीं ना कहीं फ्रंट का वाला टायर जैसे आप कहते हो तो स्किट मारी जाती है कहीं ना कहीं, मैंने नोट करा, बाकी फ्रंट का ABS बिल्कुल प्रॉपर काम करता है, फ्रंट का ABS बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। और आप बोल रहे हो कि जो रियर का मोनोशॉक है उसमें आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही, मतलब क्या मतलब ज़्यादा स्टिफ है ज़्यादा सॉफ्ट है किस में प्रॉब्लम आ रही है? थोड़ा हार्ड है, ज़्यादा हार्ड आपको दे रहा है, मतलब कई बार थोड़ा लगता है जैसे अगर आप हल्का सा ब्रेकर में हल्की से मतलब 40 से भी आपके मतलब स्पीड होती है तो बहुत ज़्यादा गाड़ी बम करती है। अच्छा, गाड़ी बम ज़्यादा करती है, तो जो रियर वाला सस्पेंशन है काफ़ी ज़्यादा हार्ड दे रखा है जैसे कि हमारे भाई ने बताया आपको, तो आपको माइलेज से कोई प्रॉब्लम आई है बाइक में? माइलेज आपको कितना मिल रहा है? माइलेज हिसाब से मैंने इसमें डबिट डलाया पेट्रोल में जिस हिसाब से ड्राइव करा है, मेरे को भी लग रहा है 45 अवर दे रही है अभी, तो 45 to above आपको इसमें माइलेज देखने को मिल जाता है रियल लाइफ कंडीशन में। तो आप इसको आपको सिटी पे हाईवे पे नॉर्मल आप डेली कम्यूट कर रहे हो? मैंने डेली अधिकतर सिटी में चला और मेन हाईवे पे चला, मतलब दोनों चलती है। तो मेन हाईवे भी आपको कितना माइलेज अच्छा मिल सका अब तक इससे? मे भी मेरे हिसाब से भी 44-45 निकाल रही, मतलब 40 अबव मांग रही। तो जैसे कि आपने देखा माइलेज आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलने को देखने को मिल रहा है, एक 160cc सेगमेंट की बाइक के हिसाब से भी माइलेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा दे रही है हाईवे पे भी। तो हाईवे पे आपको इसमें पावर लैग फील हुआ कि मतलब ऑब्वियसली बात है कि 160cc की बाइक है कि नॉर्मल 160cc है, 200cc नहीं है, 180cc नहीं है, 160cc को हम नॉर्मल कम्यूटर बाइक्स में मानते हैं, हम इनको ज़्यादा
स्पोर्ट्स में नहीं मानते, स्पोर्ट्स कैटेगरी में आती हैं, बट इनको नॉर्मल जो एक स्पोर्ट कम्यूटर होती है उसमें मानते हैं इसको। तो आपको पावर लैग कहीं फील हुआ हो या हाईवे पे या सिटी में कहीं एकदम से थ्रॉटल देने पावर लैग फील हुआ हो? या सिटी में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हाईवे पे लेके जाते हैं उसको, मतलब 80-90 बीच में जाने में गाड़ी थोड़ी लोड उठा रही, मतलब चल नहीं पा रही, पता नहीं गाड़ी न्यू या फिर अभी खुलेगी धीरे धीरे, लेकिन मेरे हिसाब से 90 के बाद जाती है थोड़ी नहीं उठा पाती पावर। तो जैसे कि आपने सुना 90 के बाद थोड़ा सा पावर लैग आपको देखने को मिल जाता है, बट कोई नहीं, जैसा आपसे मैं बोलूंगा कि 160 सीसी में होंडा का प्रोडक्ट है, रिफाइनमेंट लेवल आपको ज़्यादा देखने को मिल जाता है, तो उसी हिसाब से जो पावर डिलीवरी है वो लीनियर रखी गई है। मानता हूँ कि आपको पिकअप थोड़ा कम देखने को मिलने वाला है, तो आपको पहली बात तो आपने लुक्स के बारे में अच्छे से बताया बाइक के, आपने बताया कि आपको लुक्स पसंद आए, आपको आपने इसके बैड पॉइंट्स भी बताया, आपको उसके गुड पॉइंट्स भी बताया। इसका बैड पॉइंट है ये जो इसका फ्रंट का जो टायर है हिसाब से, मतलब उसकी विड्थ बहुत कम है, उसको थोड़ा ज़्यादा चौड़ा जाना चाहिए, क्योंकि जब अपन इसको गाड़ी को मोड़ते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता गाड़ी चलाने में। तो मतलब जब आप कॉर्नरिंग कर रहे हो या फिर आप कॉर्नरिंग कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम आ रही है टायर में, तो ये भी एक प्रॉब्लम आप बोल सकते हो कि जो फ्रंट का टायर है काफ़ी ज़्यादा आपको थिन दिया हुआ, थोड़ा सा वाइड देना चाहिए ताकि ग्रिप ज़्यादा अच्छी मिले। वैसे टायर की ग्रिप अच्छी है या आपको सिर्फ वाइड की प्रॉब्लम है या ग्रिप तो अच्छी है? मतलब जब भी आप कई बार आपको लगता है कि कई बार मतलब इसको देना चाहिए थोड़ा, लेकिन वैसे गाड़ी नो प्रॉब्लम चलने बहुत अच्छी है, लेकिन कभी कभार आपको लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि जब हाईवे पर करते हो ओवरटेकिंग तो हल्का सा कॉन्फिडेंस बिगड़ जाता है आपको करते हो। तो कॉन्फिडेंस की बात आ जाती है यहाँ पर, और एक ये बहुत ही ज़्यादा रियल बात है कि आपकी बाइक पर आपको पूरा कॉन्फिडेंस होता है, आपकी बात आपकी बाइक जो है वो कैपेबल है, बट जो टायर होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं, आप कितने ही कैपेबल हो, पर जो बाइक के टायर हैं, बाइक के शूज हैं, हम जब भी कोई रेस दौड़ रहे होते हैं हमारे शूज बहुत ही ज्यादा डिपेंड करते हैं हम कि हमने कौन से स्पाइक्स पहने हुए, तो वही उसी तरीके से जो बाइक्स के टायर होते हैं बहुत ज्यादा मैटर करते हैं बाइक की अच्छी ग्रिप और कॉर्नरिंग के लिए। तो उसी हिसाब से कंपनी, आप सुनो कस्टमर्स, क्योंकि यही कस्टमर्स हैं, यही आपकी बाइक्स परचेज करते हैं, हम लोग भी परचेज करते हैं। और कोई आप एक्स्ट्रा पॉइंट बताने चाहिए कि इस बाइक में आपको एक्स्ट्रा क्या मिला, जैसे कि बाकी बाइक्स में बाकी जो बाइक्स हैं उनमें आपको देखने को नहीं मिला हो तो आपने बाइक अच्छा? इसकी जो रात को जो लाइटिंग आती है, परफॉर्मेंस आती है, वो लाइटिंग बहुत अच्छी एलईडी है और मतलब रोड पे एकदम निकल के जाती है अच्छे से दूर तक, तो आपको नाइट ब्राइटनेस काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है बाइक में। तो जैसे कि आपने सुना नाइट ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी बाइक में, तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना देते हैं बाइक को। तो ओवरऑल अब अगर हम बात करें कि आपने ये बाइक जितनी भी चलाई है आपको माइलेज की मिला के या आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करी जाए, कि अब वहीं अगर मैं आपको, आपने और भी बाइक्स ड्राइव करी होंगी, जैसे कि हम और भी बाइक्स ड्राइव करते हैं कि आप अपने जो फ्रेंड सर्कल होता है उसमें आपने RTR भी चलाई होगी, पल्सर भी चलाई होगी, तो ओवरऑल अगर एक बात करी जाए कि आपको एक रोड प्रेजेंस कैसी मिलती है बाइक से, अगर आप इसको लेके जाते हो तो लोग देखते हैं कुछ नया चीज़ आ रही है, अगर रात में लेके जा रहे हो तो लोग देखते हैं? या रात को मतलब लोग में आई कैची गाड़ी है, मतलब लोग मुड़ के देखते देखते एक बार, और जैसे आपने कहा और गाड़ी अपाचे 160 RTR जो होती है वो नो डाउट अच्छी, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखो तो होंडा का इंजन बहुत अच्छा रिफाइनमेंट है, और अपाचे के आपको एक दो साल बाद उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आई जाती है। तो अपाचे में थोड़ा बहुत दिक्कत ऐसा ये बोल रहे हैं, मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि मैंने बाइक ड्राइव नहीं करी है, पर्टिकुलर बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और आपको चेसिस भी अच्छी देखने को मिल जाती है। आपको हाईवे पे विंड ब्लास्ट या फिर आपको स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम है, जैसे आप हाई स्पीड पे चला रहे थे तो बाइक शेक कर रही हो, या फिर आपको बाइक में चलाने में कोई प्रॉब्लम 90 में? लेकिन मेन जो दिक्कत है इसकी हल्की सी जो मैंने आपको बताया टायर की, वो ओवरटेकिंग करते हैं, अगर आप स्पीड में कुछ जल्द हल्का सा लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस कहना कि लूज हो जाता है आपको करते हैं। तो मेन बात अब ये पूछना चाहूँगा कि पूरी बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी, आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, आप बाइक से हैप्पी हैं, और थोड़े बहुत जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो सभी बाइक्स में होते हैं, जो गुड पॉइंट्स होते हैं वो सभी बाइक्स में होते हैं। आपकी फर्स्ट, जैसे कि आपने बोला कम्यूटर स्पोर्ट बाइक है आपकी, तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि आपको ये काफ़ी अच्छी बाइक मिली है, और मेरे हिसाब से भी जो होंडा कंपनी है काफ़ी ज़्यादा रिलायबल कंपनी है, जो सर्विस है आफ्टर सेल सर्विस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है, होंडा की बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और आपको जैसे अगर आप इसको लॉन्ग रूट पे लेके गए थे तो आपके बैक में कोई पेन आओ, आपको पॉस्चर कुछ और कुछ लगाओ, कंफर्टेबल सीट बहुत है, लेकिन हाँ मतलब जो अगर रियर वाला बंदा बैठता है उसके लिए थोड़ा सा मतलब साइज थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो वाइट है वो देना चाहिए था सीट, लेकिन अगर ड्राइवर के हिसाब से देख तो आप मतलब ड्राइविंग कैसे भी सिटी में देख लो, हाईवे में देख लो, तो आपको नो डाउट बहुत अच्छा है, तो गाड़ी कुशनिंग बहुत अच्छी दी गई है, कुशनिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दे दी गई है बाइक में, तो ओवरऑल बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आपको एग्जॉस्ट रोड में कोई प्रॉब्लम आई हो, इंजन में कोई प्रॉब्लम आई हो? प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और रेयर का भी आपको LED देखने को मिल जाती है, टेल लाइट फ्रंट में आपको देखने को मिल जाते हैं, बल्ब इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बाइक है। वैसे होंडा का इंजन पर्सनली रिफाइंड आता है काफ़ी ज़्यादा, और आपको सर्विस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है, बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और आपको इसमें और भी कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, मतलब ये पर्सनल क्वेश्चन है नॉर्मली कि हर किसी का कलर पसंद थोड़ा ऐसे होता है, तो आपने ऑरेंज ही क्यों चुना, इसमें और भी कलर ऑप्शन आपको देखने को मिले? इसमें ब्लू भी था, एक रफ ब्लैक भी था, लेकिन वो बहुत आजकल कॉमन हो चुका है आने में, ये थोड़ा न्यू टाइप का लुक था। अच्छा, ये न्यू कलर आया था इसलिए आपने वाली परचेज करी। तो ये आपको ऑन रोड कितने की पड़ी थी? क्योंकि मैं जो मैं अपनी वीडियोज में जो मैं प्राइस बताता हूँ वो मैं आपको एक्शोरूम प्राइस बताता हूँ बाइक की, क्योंकि ऑन रोड प्राइस वेरी करती है, तो ऑन रोड प्राइस आपको कितनी पड़ी सारी एसेसरीज लगवाने के बाद या जो भी आपने एक्स्ट्रा लगवाया?
मेरे को ऑन रोड 1,30,940 की पड़ी विद 1 साल का 0 इंश्योरेंस और 5 साल का थर्ड पार्टी तक मतलब इंश्योरेंस, और मेन एसेसरीज में कोई 2 हेलमेट मिले, बाकी सारी गार्ड सीट और बेसिक जो आती है सारी मिली है। तो आपको सारी एसेसरीज देखने को मिली है, और ऑन रोड प्राइस उन्होंने बताई, ऑन रोड प्राइस आपको कितनी पड़ी? 1,30,940। 1,30,940 में उनको ये ऑन रोड प्राइस पड़ी है, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। मतलब बहुत सारी ऐसी बाइक्स भी हैं जो 1,40,000 में 166 सेगमेंट में ही आपको मतलब ये एक्स शोरूम प्राइस उनकी देखने को मिलती है। बहुत सारी बाइक्स ऐसी आती हैं, और KTM की जो 125cc की बाइक है सिर्फ और सिर्फ, वो तो इससे भी ज़्यादा कॉस्टली एक्स शोरूम होने के बावजूद, तो बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और आपको पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम आई हो कि मतलब आपको ऐसा लगा कि जो पार्ट्स हैं वो चीप क्वालिटी के हैं, या फिर फाइबर जो इसकी जो टंकी है, मतलब हालांकि हम देखेंगे मतलब लोहे की नहीं, पूरी फाइबर बॉडी है, फाइबर बॉडी है, ठीक है, लेकिन अभी तक खैर सही चल रहा है। लेकिन कई बार लगता है कि थोड़ा उनको अच्छा इंप्रूव करके देना चाहिए बिल्ड क्वालिटी से। तो बिल्ड क्वालिटी होंडा सुनो थोड़ा बहुत, कि जो होंडा या अभी बाइक सारी है 160 की, मैं थोड़ी जो बिल्ड क्वालिटी है थोड़ी अच्छी करनी चाहिए थी। बाकी ओवरऑल बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा आपको रियर व्यू मिरर भी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, आपको प्रॉपर व्यू मिलने वाला है। ओवरऑल बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मैं फिर से ये बोलूँगा आपको, रिफाइनमेंट लेवल में या आपको ड्राइवेबिलिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप ये बाइक हमारे पास लाए और आपने अपना ओनरशिप रिव्यू शेयर किया, और मैं खुद ये बहुत अप्रिशिएट करूँगा कि इन्होंने मुझे खुद से मैसेज किया बाइक देखने के बाद, मतलब रिव्यू देखने के बाद, कि आप मतलब मैं शेयर करना चाहता हूँ अपना ओनरशिप रिव्यू। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि हम लोगों को लिटरली नहीं पता होता है कि आपके पास पर्टिकुलर बाइक है, आपने खरीदी है। जब आप लोग हमें बताएंगे कि हम शेयर करना चाहते हैं कुछ, क्योंकि हम लोग, मैं आपको ड्राइव करके दिखा दूंगा बाइक, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आपको एक राइड लेके मैं आपको बता दूंगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बट वो एक्चुअल चीज नहीं है, वो मैं सिर्फ आपको पर्टिकुलर वन टाइम एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। बेस गाड़ी में एक चीज और मैं ऐड करना बताना चाहूंगा, जैसे मतलब होंडा की गाड़ी है, पावर जैसे लोगे हैंड टू हैंड करती गाड़ी एकदम फास्ट है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब होंडा का जो मतलब स्मूथनेस है ना गाड़ी की, जो उठती है वो बहुत अच्छे से उठती है। जैसे अगर आप और गाड़ी देखेंगे उसमें थोड़ा पुश करना पड़ता है, लेकिन इसका थ्रॉटल प्रेस करते गाड़ी ऑटोमेटिक अपने हिसाब से आगे, तो थ्रॉटल भी, तो आपको थ्रॉटल रिस्पांस काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इन्होंने खुद से मुझे बोला कि मैं शेयर करना चाहता हूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, और आप शेयर करोगे तो ही आगे लोगों को पता चलेगा क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम है। इन्होंने बाइक की प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताया, बाइक के गुड पॉइंट्स के बारे में भी बताया, सब के बारे में बताया, तो ये एक्चुअली मैं ओनर है तो इनको पता है बाइक कैसी चलती है, क्योंकि ये सिर्फ पर्टिकुलर इसको एक बार नहीं चलाते हैं, ये इसको दिन भर यूज़ करते हैं, इसको डेली कम्यूट के लिए यूज़ करते हैं, अपने डेली काम के लिए यूज़ करते हैं, हाईवे के लिए यूज़ करते हैं, तो जो ओनर होता है वो अच्छे से बता पाता है। इसलिए मैं राइड रिव्यूज़ बहुत ही कम रिफ़र करता हूँ लोगों को कि मैं अपना राइड रिव्यू दूँ, क्योंकि वो वन टाइम एक्सपीरियंस होता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता ऐसा कि ऐसा मैं सब कुछ अच्छा अच्छा बता दूंगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इस गाड़ी जैसे आपने बताया आफ्टर सर्विसेज भी, सर्विसेज की बहुत बजट लिया कुछ नहीं, आपको मे बी 400 का हुआ था, मतलब 800-900 के अंदर आपके प्रॉपर सर्विस हो जाएगी, मतलब आपको फुल सर्विस देखने को मिल जाएगी 1000 के अंदर, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा वोटिंग सब कुछ देता है, कंप्लीट कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो आपको आफ्टर सेल सर्विस भी ऐसी नहीं कि मतलब बहुत अच्छी है, और वो आपको एंड टू एंड कोऑर्डिनेट करते हैं, मतलब कॉल आ जाता है कि मतलब रिव्यू मतलब कैसा चल रहा है, कैसा चल रहा है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपसे भी पूछा जा रहा है कि आपको सर्विस कैसी मिल रही है, तो ये भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है कि होंडा की आफ्टर सेल सर्विस आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। पर्टिकुलर बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे खुद से कॉन्टैक्ट किया और आपने बाइक के रिव्यू को शेयर किया, बाइक के ओनरशिप रिव्यू को शेयर किया। तो यही था अपना रिव्यू इस अमेजिंग बाइक के लिए, आपको पसंद आ गया हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को, नीचे कमेंट में बताना मैं क्या क्या और ऐड ऑन कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट बाइक का ओनरशिप रिव्यू मेरे चैनल पे आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं क्या क्या और चीज़ें ऐड ऑन कर सकता हूँ। वो जो लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर घूसा मारो, मुक्का मारो, बस वो दब जाना चाहिए, वो बेल आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि ऐसे अमेजिंग बाइक्स रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, और आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले हमें आपसे ही बात कर रहा हूँ, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। भाई के चैनल को कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं आपसे ऐसे किसी बढ़िया सी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और देखते रहिए आर्य व्लॉग्स।